मेरे और दूसरे भाई जनाब चौधरी फवाद साहब, गिल साहब, नादर चेयरमैन साहब, अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका बेपनाह शुक्रिया कि आप इस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्च पे आपने वक्त निकाला। और मैंने जैसे आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि सर हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में दाखिल हो गए हैं, जो आपके साथ आपकी गाइडेंस में जो लॉज हमने बनाए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब स्टार्ट हो गई है। इस्लामाबाद में जब हमने ये लॉन्च किया और उसको मेरे ख्याल में 2-3 महीने हो गए, सर आपको मैं एक स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ कि कोई 350 के करीब एप्लीकेशंस आई जो के प्रोसेस होनी थी, जिसमें से 317 एप्लीकेशंस ग्रांट भी हो गई और उनको 15-15 दिन में सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल भी गया। खान साहब, आप इमेजिन करें कि ये जो ये 317 लोग अगर इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते, उनको 7-8 साल लगने थे। तो यानी जो हमने सिस्टम आपकी क़यादत में लॉन्च किया अल्लाह की ज़ात की हुक्म से और उसकी मेहरबानी से, इट्स वर्किंग, इट्स वर्कबल। शुरू में हम पे बड़ी तनकीद लोगों ने की और ठीक है, तनकीद से इंसान सीखता है, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। और ये था सिस्टम वर्क नहीं करेगा, लॉयर्स ने बड़ा शोर डाला, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो लॉयर, और बड़ा प्रेशर आया, स्ट्राइक्स भी कर दी। लेकिन अगेन क्रेडिट गोज टू इमरान खान, इमरान खान खड़ा रहा, करने दो, क्योंकि हम काम सही कर रहे हैं, हम काम गलत नहीं कर रहे हैं। गलत काम होता है तो ना मैं करता हूँ और अगर मेरी समझ में नहीं आता तो ये रोक देते हैं मुझे, ख़त्म हो गई बात। और ये सिर्फ एक इंस्टेंस है, कितनी और चीज़ें हम की खान साहब की क़यादत में, और इन्होंने देखा कि सही है, चट्टान की तरह खड़े रहे। तो सर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ से इंकरेजमेंट नहीं है तो फिर हम ये नई चीज़ें नहीं कर सकते। अब आगे सर सुनिए, पंजाब माशाल्लाह कोई 11, 11.5, 12 करोड़ की आबादी है, तो ये अब इसका सही वक्त है लॉन्च जो अब ये हो रहा है पंजाब। पंजाब में जब इसके सम्राट आएंगे, ये तो इस्लामाबाद में एक छोटी पॉपुलेशन है, पंजाब में जब ये होना है, और पंजाब का फिर ये मतलब है कि उसके फिर रूट्स यूरोप, इंग्लैंड, स्पेशली ब्रैडफोर्ड वगैरह, हमारी सारी पॉपुलेशन जो पंजाबी वहाँ रहते हैं, तो ये इतना एक ज़बरदस्त आप समझिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ आपके सामने है। और जब आपने इसको लॉन्च करना है और लॉन्च के बाद ये आगे चलनी है, और होना ये है कि सिर्फ ये पंजाब में नहीं होना, मुझे बताया कि केपी ने भी आज ये कानून पास कर दिया है, और पीएम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, शुक्रिया पाकिस्तानियों के लिए कि मैं आपसे कहता रहा और आप उसको प्रेशराइज करते रहे। बुज़दार साहब का शुक्रिया, राजा बशारत का शुक्रिया, लॉ सेक्रेटरी बैठे हैं इनका शुक्रिया, शेख रशीद साहब का शुक्रिया कि नादरा उनके अंदर, और जो बेहतरीन काम सर इन्होंने तारिक मलिक ने किया, जो सारा इनका जो सॉफ्टवेयर है और तमाम जो ऑनलाइन वेरिफिकेशंस हैं, बायोमेट्रिक है, फ्रॉड भी नहीं होना, यानी फिंगरप्रिंटिंग में तो फ्रॉड नहीं होगा ना जी। तो ये सर आप ये देखिए कि ये सारा का सारा सिर्फ ये नहीं, बल्कि कोई 25-30% जो लोड अदालतों पे है वो ख़त्म हो गया इससे। यानी 25-30% जो वहाँ जो उनको माइंड अप्लाई करके उन केसेस पे अपना काम करना है, तो वो उसमें भी वो फ्री हो गए, वो काम कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान, बल्कि फॉरेन ऑफिस का शुक्रिया, शाह महमूद साहब नहीं है उनका शुक्रिया, उनके लॉ, उनके सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, उनकी टीम का शुक्रिया, एक भरपूर ये सर वहाँ भी। इस वक्त पंजाब के लिए नादरा विरासती सर्टिफिकेट इजरा की तकलीफ जारी है, और दूसरी जानब सेनेट का इजलास जारी है। पहले उसे डेली वेजेस पे भर्ती किया गया, फिर उनको रेगुलर कर दिया।